राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1988 में। इनमें से कितने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव दिया था? किसने भारतीय शिक्षा को? कोठारी आयोग ने। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? 1987-88। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। इनमें से किसने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था? हेरोल्ड विल्सन ने। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 तक। अशक्तता का प्रकार है मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, उपयुक्त सभी। बुद्धि के आधार पर प्रतिभावान बालक बालक के बच्चे होते हैं, पता नहीं। तीव्र बुद्धि। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, कथन है स्किनर का। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधिताओं के लिए, अशक्त बच्चों के लिए, सभी के लिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जा सकता है समस्यात्मक बच्चे। विशिष्ट वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है, कथन है हैक का। विशिष्ट बालकों के प्रत्यय पहचान शिक्षा और सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारणतः उन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 6। शारीरिक अशक्तता में शामिल बच्चे हैं श्रवण दोष युक्त, विकलांग बच्चे, अदृष्टि दोष युक्त, उपयुक्त सभी। अशक्त बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण, वंशानुक्रम, पोषण। विकलांग जन अधिनियम कानून विकलांगों का कल्याण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए किस संदर्भ में किया गया है? विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र स्थापना के लिए। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। मानसिक रोगों से पीड़ित बालक की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है मुंबई में। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना है 17। संख्या है 17। अपंगता का कारक नहीं है जन्मजात अनियमितता। विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है पेंशन योजना, कृत्रिम अंग सहायता उपकरण, छात्रवृत्ति योजना, उपयुक्त सभी। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता है, व्यावसायिक आवश्यकता है, उपयुक्त सभी। विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा का स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व, विशेष बालकों की आवश्यकता की खोज पहचान एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण, और क्या है, अध्यापकों का चुनाव, विशेष कक्षाओं का निरीक्षण एवं निर्देशन, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण, मूलभूत सुविधाएं, उपयुक्त सभी। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, आर्थिक क्षति, सुरक्षा का संकट। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा निश्चित किए गए अधिकार को कहते हैं बाल अधिकार। किशोर अन्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? जिला स्तर पर। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? 14 वर्ष। विशिष्ट शिक्षा में राज्य का उत्तरदायित्व है बालकों की आवश्यकताओं का पता लगाना, आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित पढ़ाई की योजना बनाना, स्थानीय स्तर पर प्रबंधित स्कूलों को धन से सहायता प्रदान करना था, प्रोग्राम का निरीक्षण तथा निर्देशन करना, उपयुक्त सभी। अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी है पिछड़े बच्चों के लिए। शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता है विशिष्ट कक्षाएं, अतिरिक्त सुविधाएं एवं साधन, अब दोनों। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि है,
75 से 90 के मध्य। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से तात्पर्य सामग्री करने की योग्यता है, पर्याप्त सामग्री करने से उपयोगिता है। लेडल का है, या कथन किसका, लेडल का। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए प्रेम पूर्वक व्यवहार। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष अध्यापक। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती। संगीत, भाषा। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है वीडियो टेप, सुनने की मशीन, फिल्म। उपयुक्त सभी। अंधे बालक होते हैं, दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होता है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तेज बोलने वाला। मनुष्य की आवाज का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। स्तर, उच्चता, गुण। प्रारंभिक वर्ष की गतिविधि में शिक्षक कर सकता है छात्रों के नाम याद रखना, नियमों का चुनाव, समूह में विभाजित करना। उपयुक्त सभी। कक्षा प्रबंधन में सुधार लाया जा सकता है कक्षा नियमों द्वारा, ब्रेन ब्रेक द्वारा, ब्लू बॉक्स द्वारा। उपयुक्त सभी। बेहतर कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक की गतिविधि पहचानी पहन अपनानी चाहिए छात्रों के परिचय के दौरान नाम याद रखना, नियमों का चुनाव, कक्षा में छात्रों से मिलना। उपयुक्त सभी। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, सातवीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, वह बच्चा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। उपयुक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, दोनों कथन सत्य है। जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हो, दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य है। भारत में नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1986 में, याद रखिएगा। इनमें से किस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति घोषणा कर दी गई थी, 1992 में। इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, 1956 में। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, 1961 में। इस तरह हमारा यूनिट 5 समाप्त होता है।